अब तो आई हमारी तीसरी एक्सेप्शन आप देख रहे हैं जब भी एक्सेप्शन दी किसी ना किसी पर्सन को फायदा दे रहे हैं ताकि वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाए और सारा लफड़ा क्या है सारी प्रॉब्लम क्या है फॉरेन इनकम की की। तो हम अब लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसको दो स्टेजेस में करेंगे पहला स्टेज वी अंडरस्टैंड द बेसिक रूल विच एग्जिस्टेड बिफोर अमेंडमेंट यानी अमेंडमेंट जो आई वो क्या है उसके लिए अलग से टॉपिक करेंगे पहले एक बार सिंपली समझे क्या होता था और फिर हम समझेंगे जरूरत क्यों पड़ी अमेंडमेंट की एन so इंडियन और अब यहां पर एक वर्ड यूज करा उसने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और फिर देखिए मैंने क्या लिखा एक्सेप्ट इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरन सोर्सेज इज मोर देन टेन लैक मोर देन फिफ्टीन लैक्स इस पार्ट को इग्नोर करेंगे हु रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया सो यानी इसको दो मिनट के लिए इग्नोर कर रहे हैं हम समझ रहे हैं इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन रिजन हू रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग दर फॉर एनी पर्पज चाहे वो विजिट पर आया चाहे वो नौकरी करने आया चाहे वो मम्मी को मिलने आया चाहे वो वैसे ही आया काम के सिलसिले में आया जिस मर्जी पर्पज के लिए आया उसके लिए भी हम यहां सिर्फ वन एटी टू डेज देखेंगे ना वॉट इज दिस एक्सेप्शन फॉर यू नो यू है लॉर्ड ऑफ इंडियंस स्टेइंग कई लोग हैं इमिग्रेट कर जाते हैं कैनेडा में जाते हैं, चले जाते हैं यूएसए चले जाते हैं सिंगापुर रह रहे हैं दुबई रह रहे हैं सबके पास पासपोर्ट अगर इंडिया का है उन्होंने वहां की सिटीजनशिप नहीं ली है शायद पी आर ले लिया है परमानेंट रेजिडेंसी वहां की है रहते वहां है बच्चे स्कूल वहां पढ़ रहे हैं लेकिन उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है अब ये लोग जब इंडिया आएंगे इन द करंट ईयर इनके लिए 60 प्लस 365 वाली कंडीशन इरेलीवेंट हो जाएगी क्योंकि 60 की जगह क्या होगी वन यानी हम इनको कह रहे हैं आइए आराम से इंडिया घूमिए छह एक महीने रहिए यहां पर लेकिन आपको हम इंडिया का रेजिडेंट नहीं बनाएंगे और रेजिडेंट नहीं बनोगे तो फॉरन इनकम का तो कोई चक्कर नहीं है टैक्सीबिलिटी का तो आप आराम से आइए दैट इज दिवन टू इंडियन सिटीजन एंड देन कम्स टर्म पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये कौन है अब व्हेन वी गो एंड रीड द वर्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसका डेफिनेशन दिया हुआ है अंडर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन वन वन सी वन वन फाइव सी शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही ध्यान से पढ़ो और आईदर ऑफ इज पेरेंट्स और एनी ऑफ इज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया इसको ध्यान से पढ़ेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है कहता भाई पहली बात अनडिवाइडेड इंडिया लेते हैं हमारे पास अनडिवाइडेड इंडिया इज फिफ्टींथ अगस्त 1947 इससे पहले अनडिवाइडेड इंडिया में पाकिस्तान भी था बांग्लादेश भी था और इंडिया भी था नहीं ढाका नहीं था नेपाल नहीं था ये अनडिवाइडेड इंडिया में नहीं आते थे नाउ अनडिवाइडेड इंडिया में कौन पैदा हुआ या तो आप खुद पैदा हुए यानी एनी बॉर्न हेयर in undivided india is a person of indian origin anybody born here whose father or mother was born in undivided india is also a person of indian origin anybody born here whose father or mother were not born in undivided india but any of the grandparents any of the grandparents nana nani dada dadi dono aage. एनी ऑफ द पेरेंट्स, तो इनमें से किसी के भी पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होए, तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएगा सिमिलरली बेटा अगर कल को इसका जो बच्चा होगा जिसके पेरेंट्स भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद है और ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद है तो यह पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं रहेगा यानी ये टर्म बेसिकली फॉर थ्री जनरेशन

Let's say Mr. Ajay. Ajay, USA. Aj. Ajay, Ajay is about 21 years old. Ajay says, I want to go and visit my roots. His father and mother had migrated to USA long time back. His grandfather was born in 1934. Grandfather of Ajay. His parents were born in USA. His हिमसर वॉज बॉर्न इन यूएसए इनके पास यूएस सिटीजनशिप है बट आप देख रहे हैं बिकॉज हिस्स ग्रैंड वॉज बोर्न इनडिड इंडिया इंडली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया अब यह इंडिया आता है अब यह इंडिया आएगा तो इसकी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हम कौन सा कंडीशन देखेंगे सिर्फ यू राइट वी विल लुक एट ओनली टू डेज ना वाई इज इट फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर हम बोले ये भाई साहब पहली बार इंडिया आए लेट से 2000 10-11 को इंडिया आया यहां पर तीन महीने लगभग सौ दिन रह गया फिर 11-12, 12-13, 13-14, लेट्स से 14-15 एंड एवरी ईयर ही इज कमिंग टू इंडिया एंड एवरी ईयर ही इज कमिंग फॉर लेट से 100 किस दिन 120 ट्वेंटी डेज किस साल नहीं आया किसी साल 200 हंड्रेड डेज रह गया सो so, करते 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 पंद्रह सोलह सोलह सत्रह 17 18 18 19 19 20 एंड देन से 2021 अब अगर वो इंडिया यहाँ पर सिर्फ 70 डेज भी आया था और पिछले सालों में लेट से 100 110 मे बी नल मे बी 200 मे बी 180 ये यहाँ पर मिलने आ रहा था दादा दादी को घर में रहने आ रहा था घूमने आ रहा था इंडिया देखने आ रहा था अपने रूट्स को एक्सप्लोर करने आ रहा था अब यहां पर अगर 60 प्लस थ्री लगाएंगे तो आप देखोगे वो रेजिडेंट बन जाता है और अगर हम 730 भी लगाएंगे तो वो भी पूरे हो रहे हैं और 2 on टेन भी हो ही जाएगा तो ये तो R प्लस ओ हो जाएगा यानी इसकी यूएसए की इनकम पे भी हम इंडिया में टैक्स लेने के लिए लायबल हो जाएंगे पर उन्होंने बोला ऐसा नहीं करना है इसके लिए केवल वन डेज देखनी है दे सिंस इज इन इंडिया ओनली फॉर सेवेंटी डेज ही विल बी अ नॉन रेजिडेंट तो आप इंपॉर्टेंस समझिए ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस सिंपल कैलकुलेशन नहीं है बेटा बहुत सारी टैक्स लाइबिलिटी धीरे धीरे हम समझेंगे व्हेन वी डू क्वेश्चंस ऑफ इंडियन रिसीट फॉरेन रिसीट आप देखोगे इंडिया में इनकम कितनी असेसेबल है डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट रेजिडेंशियल स्टेटस तो एक बार मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा इंडियन रिसीट और फॉरन रिसीट बिकॉज वॉट वी आर नाउ गोइंग टू डू इज क्वेश्चन आप समझो इनकम्स को हम बोलते हैं हमारी पांच सैलरी हाउस प्रॉपर्टी

इन तीनों में से कोई एक भी चीज इंडिया में हो जाए ये इंडियन रिसीट हो जाती है अगर ये तीनों में से कोई भी चीज इंडिया में नहीं हो रही है तो ये फॉरेन रिसीट हो जाती है एंड व्हाट इज द रूल वी से रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में सारी इंडियन और सारी फॉरेन, चाहे वो सैलरी की फॉरन इनकम हो सैलरी अर्न इन यूएसए रिसीव्ड इन यूएसए इज ऑल्सो गोइंग टू बी एसेबल इन इंडिया घर आपका लंडन में है उसका रेंट लंडन में एक हुआ रिसीव वहीं हुआ पर इंडिया में असेसिबल होगा आपका बिजनेस सिंगापुर में है वहीं शुरू करा वहीं सेल होती है वहीं पर पैसा मिलता है वो भी इंडिया में असेसिबल होगा बिकॉज आप इंडिया के रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो जब मैं बोल रहा हूं कि आप इंडिया के रेजिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और सारी इंडियन और सारी फॉरन रिसीट असेसिबल है तो आपके दिमाग में चलना हो जाए कोई भी उसने लंडन में घर बेचा कैपिटल गेंस हुआ लंडन में एक हुआ लंडन में रिसीव हुआ क्या वो इंडिया में असेसबल हो जाएगा यस बिकॉज इज आर प्लस ओ आर उसको माइक्रोसॉफ्ट के डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं यूएसए में वहीं पर इंटरेस्ट आता है बैंक अकाउंट भी वहीं है तो क्या वो इंडिया में हो जाएंगे हा बिकॉज इज आर प्लस ओ आर हाँ अगर वो एन आर है तो केवल इंडिया की रिसीट असेसबल होगी फॉरन वाली कोई भी असेसबल नहीं होगी और सारा चक्कर जो अमेंडमेंट है वो इसलिए इस बंदे के लिए आर प्लस एनओ आर आर प्लस एनओ आर का समझे बेटा कहता है इंडियन रिसीट तो असेसिबल होगी एक होगी जो बिजनेस से हो रही है वो बेसिकली क्या कह रहा है? तो के लिए अगर मैं बात करूं उसकी नौकरी इंडिया के बाहर है रिसीप भी, भी बाहर है वो इंडिया में नहीं है। उसका घर लंडन में है, भी बाहर है, रिसीव भी बाहर है वो इंडिया में उसने प्रॉपर्टी बाहर बेच दी कैपिटल भी है, भी बाहर बाहर है है रिसीव और इंडिया में नहीं है वो भी असेसेबल नहीं है इसके पास माइक्रोसॉफ्ट के डिबेंचर्स जो इंटरेस्ट में भी बाहर रहा है एक्रू भी बाहर हो रहा है वो भी एनओ के हाथ में इंडिया में असेसेबल नहीं है उसके हाथ में केवल बिजनेस एड कियाबल है वो समझते हैं क्या है लॉ का कहना क्या है लॉ कहता है कि अगर आपने बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया सेटअप इंडिया में है यहां पर आपका हेड ऑफिस है यहां से आप काम कर रहे हैं अब आप समझे हेड ऑफिस में लेट से 40 लाख की इनकम हो रही चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं आपने एक पान की दुकान सेटअप करी तो हम कहते हैं सीए पान की दुकान अब ये दुकान पहले तो रेडी में लगा थी अभी हुआ क्या सारे इंडिया के सीए आपका पान खाना शुरू कर दिया ये रेडी आपकी थी चंडीगढ़ में अब वहां पर जितनी सेल हो रही है करते 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 आपकी सेल पहुंच गई दो करोड़ की हिंदुस्तान में बहुत लोग पान खाते हैं और चंडीगढ़ के हर कोने में जितने सीए के इंस्टीट्यूट है सारों की दीवारों पे लाल निशान दिख रहे हैं आपको आपको पता ही हम लोग है ना अब क्या हुआ क्योंकि इसकी सेल ज्यादा होगी ये जीएसटी वालों की नजर में आ गया इसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ गई जब रजिस्ट्रेशन कराई इसको एक दफ्तर चाहिए था तो इसने एक फिजिकल दुकान किराए पर ली ए लगवाया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया एक नाम रखा सी पान की दुकान और एक प्रोप्राइटरी कंसर्न उसने शुरू कर ली अब यहां पर दो करोड़ की रिसीट है देखो हमारा लॉजिक सिर्फ सिंपल है एक्रूज एक इन इंडिया अब ये इंडियन रिसीट होगी अच्छा ये भाई साहब इंडिया में ही रहते हैं अभी तो, तो ये ऑब्वियसली रेजिडेंट है अभी मान के चलते हैं ओ आर बी हो गए अब इनका बिजनेस फैल गया इन्होंने क्या किया मुंबई में जाके एक ब्रांच ऑफिस खोल लिया अब मुंबई में इतनी सेल होनी शुरू हो गई मुंबई में स्टूडेंट्स ज्यादा है ना पांच करोड़ की सेल मुंबई से हो रही है अब ये भाई साहब यहां से मुंबई जाके बैठ गए अब मुझे बताइए जो मुंबई में दफ्तर खोलेंगे क्या उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग लेनी पड़ेगी आप भी बोलोगे सर ये तो जीएसटी में आप पढ़ाओगे हमें क्या पता तो धीरे धीरे आपको मैं पढ़ाऊंगा कि जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेनी है यानी है तो ये प्रोपराइटरी कंसर्न प्रोप्राइटरी कंसर्न है इसकी चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन जीएसटी का अलग होगा मुंबई में रजिस्ट्रेशन अलग होगा लेकिन इनकम टैक्स का तो पैन नंबर एक ही होगा ना परमानेंट अकाउंट नंबर इतना तो आप लोगों को समझ में आएगा अभी तक नाउ हिज पैन नंबर इज द सेम मतलब रिटर्न तो एक जा रही है इनकम दो बिजनेस की नहीं है एक ही बिजनेस की दो ब्रांचेस की है समझ रहे मेरी बात सो so, अब ये जो बिजनेस है मुंबई वाला अलग बिजनेस नहीं है ब्रांच है पर ब्रांच बॉम्बे में मुंबई में है तो ये मुंबई में एक्रू होगी और इतफाक से देखिए मुंबई भी इंडिया में है दे फॉर दिस ऑल्सो बिकम्स एन इंडियन रिसीट यानी इस पर्सन को जब ये रिटर्न भरेगा ये आर प्लस ओ आर है अगर ये आर प्लस ओ आर है दोनों इंडियन रिसीट्स यानी पांच प्लस दो सात करोड़ इंडिया में असेसबल है प्रॉब्लम इज हेड ऑफिस कहां है क्या ये मुंबई जाके बैठ गया तो हेड ऑफिस मुंबई हो जाएगा नहीं रजिस्टर्ड ऑफिस इज द हेड ऑफिस मतलब आपने जीएसटी में एक एड्रेस दिया है आपने इनकम टैक्स में एक एड्रेस दिया है आपके पैन नंबर में आपका एक एड्रेस है ध्यान से सुनो मेरी बातें ताकि क्लियर हो द डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड मैनेजमेंट हाँ ये मुंबई बैठा है क्योंकि ये प्रोपराइटर है बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है प्रोपराइटर तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है बताओ मुंबई में है ना लेकिन हेड ऑफिस कहां है रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है रजिस्टर्ड ऑफिस तो चंडीगढ़ ही रहेगा यानी जो पत्र आएगा प्रेम पत्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आएंगे जीएसटी डिपार्टमेंट से आएंगे वो कहां जाएंगे मुंबई जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे नोटिस जो जाएंगे कहां जाएंगे चंडीगढ़ जाएंगे और इसकी इनकम टैक्स की रिटर्न दो नहीं जाएंगी बेटा मुंबई में अलग चंडीगढ़ में अलग ना मैंने बताया इनकम टैक्स की रिटर्न एक ही जाएगी जीएसटी के बाद दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं अब इनकम टैक्स की रिटर्न की जूरिस्ट चंडीगढ़ बनेगी या मुंबई बनेगी

अब लंदन में जो ब्रांच खोली वहां पर भी लिखा सीए पान की दुकान हम सीए लंदन पहुंच गए क्या बेच रहे हैं पान और वहां उसकी सेल होगी 40 करोड़ पूरा लंदन सीए पान खा रहा है बकिंगम पैलेस की दीवारें भी लाल हो गई हैं सोच के देखो यहां पर 40 करोड़ की जो रिसीट हुई है ये एक कहां हो रही है यह समझना जरूरी है क्या ये इंडिया में एक्रू हो रही है बिजनेस कंट्रोल कहां से है इंडिया से है क्योंकि ये कहां बैठा है इंडिया बैठा है लेकिन क्या ये इंडियन रिसीट है ना एक तो बाहर हो रही है ना बेटा क्योंकि बिजनेस कहां है लंडन में है है सेल कहां हो रही है? लंडन में हो रही है अच्छा लंडन में जो पान खा रहे हैं वो पैसा इंडिया में तो जमा कराएंगे नहीं कहां जमा कराएंगे लंडन में तो रिसीव भी कहां हो रहा है लंडन में यानी ये हो गई फॉरेन रिसीट अभी डीम्ड एक्ल छोड़ दीजिए मैंने बोला वक्त आने पे सारा कराऊंगा वन स्टेप एट अ टाइम ये डीम्ड इक्रूवल में नहीं आएगा ये फॉरन रिसीट अच्छा क्योंकि ये आर प्लस ओ आर है ये फॉरन रिसीट भी इंडिया में असेसबल होगी यानी जब ये बंदा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा दो करोड़ और पांच करोड़ इंडियन रिसीट है वो भी असेसबल है और चालीस करोड़ फॉरन रिसीट है पर क्योंकि ये आर प्लस ओ आर है यह असेसबल है अब सोच के देखो अगर ये छोड़ के इंडिया अब लंडन जाके बैठ गया प्रोपराइटर और पूरा साल लंदन रहा अगला साल यानी इंडिया में ना 60 डेज ना 182 डेज कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करी तो ये क्या हो जाएगा अगले साल में नॉन रेजिडेंट अब अगले साल जब ये नॉन रेजिडेंट है इंडिया की रिसीट तो इंडिया में असेसबल होगी सात करोड़ तो असेसेबल होंगे ही होंगे पर अब फॉरन रिसीट इंडिया में असेसबल नहीं होगी यानी अगर इस बंदे को लगता है कि मेरी फॉरन में रिसीट ज्यादा हो गई है

सारी कंफ्यूजन में समझे हो गया है आपको धीरे धीरे पता चल रहा है लोग मैनिपुलेट कैसे करेंगे उन्होंने घर खरीद लिया लंदन में वहां जाके रह रहा है पैसा बहुत है उसके पास पासपोर्ट इंडिया का रखा है आता जाता रहता है और आपको पता है अब वो लंडन में रह रहा है और इंडिया आएगा तो उसके यहां पर वन डेज की कंडीशन लग जाएगी क्योंकि ये इंडिया का सिटीजन है अभी हमने करा एक्सेप्शन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया ही इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड ही कम्स टू इंडिया 182 डेज देखेंगे यानी अब हमें यह समझ में आ रहा है कि वो इंडिया में आके 181 डेज रह भी लेगा तो भी इंडिया का क्या रहेगा नॉन रेजिडेंट ये तो बहुत फायदे वाली बात है तो लोग क्या करते हैं वहां जाके रह लेते हैं अपने बच्चे वहां स्कूल में पढ़ा रहे हैं यानी दे आर नाउ शोइंग दे आर रेजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड दे कम टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर और वो नॉन रेजिडेंट है या नहीं आया तो भी नॉन रेजिडेंट है आप समझ रहे मेरी बात इससे फर्क क्या पड़ा अब उसकी 40 करोड़ की इनकम इंडिया में नहीं लंडन में सपोज करें टेन परसेंट रेट है उस पर टैक्सेबल लग रहा है ऐसे लोग अपना रेजिडेंशियल स्टेटस मैनुपुलेट करके टैक्स को कम कर सकते हैं आई होप ये बात क्लियर होगी लेकिन एक बंदा कहता है कहता भाई मेरे को ना लंदन नहीं रहना है लंडन नहीं रहना है। मैं रहूंगा इंडिया में ही मैं रहना इंडिया में ही यानी वो कहता है यार मैं सपोज साल में दो सौ दिन ढाई सौ दिन इंडिया रहता हूं पर किसी तरीके से ऐसे है कि पिछले सात सालों में मेरे सात सौ तीस दिन ना बने या पिछले दस में से दो साल का मैं रेजिडेंट ना बनू ऐसा मैनिकुलेट कर लेते हैं ताकि मैं रेजिडेंट तो रह जाऊं पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाऊं अब आर प्लस एनओ आर होने से क्या फर्क पड़ेगा क्या उसकी चालीस करोड़ की इनकम पे इंडिया में टैक्स बच जाएगा दैट इज द क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि आर प्लस एनओ आर के लिए जो फॉरन में बिजनेस की इनकम है ब्रांच की इनकम है अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है अगर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है तो उसके ऊपर भी इंडिया में टैक्सेबिलिटी हो जाती है बिकॉज इनकम ऑफ अ फॉरन ब्रांच एक प्रकार की फॉरन इनकम एनओ आर के हाथ में भी टैक्सेबल है इनकम ऑफ अ फॉरन ब्रांच विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया आप समझे मेरी बात हां अगर ये इंडिया से नहीं कंट्रोल्ड है सपोज कंट्रोल्ड बाहर से है यानी हेड ऑफिस यहां पर है चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बिजनेस शुरू लंडन में हुआ हेड ऑफिस यहां है रजिस्टर्ड ऑफिस यहां है और उसने बाद में आके इंडिया में ब्रांच खोल ली है ना अब लंडन में 40 करोड़ की रिसीट है इंडिया में 7 करोड़ की चलिए अब मुझे बताओ हेड ऑफिस लंडन में है एक्रू का हो रहा है 40 करोड़ लंडन रिसीव का हो रहा है 40 करोड़ लंडन में ये फॉरन रिसीट होगी ये एक in हो गया सात करोड़ ये तो इंडियन रिसीट होगी अब अगर ये भाई साहब इंडिया के रेजिडेंट प्लस ओआर हो जाते हैं फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई फिर तो चालीस प्लस सात इन सब पे इंडिया में असेसिबिलिटी है और मैंने बताया था अगर ये चालीस करोड़ लंदन में भी असेसबल है लेकिन अगर यह नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ओनली सेवन करोड़ लेकिन अगर ये आर प्लस एनओ आर है अब बताइए एक फॉरन इनकम इंडिया में अब इज इनकम ऑफ ए फॉरन ब्रांच विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इस केस में नहीं है यह तो कंट्रोल बाहर है ये फॉरेन ब्रांच नहीं है फॉरेन हेड ऑफिस है कंट्रोल वहां पर है ये उसके हाथ में इंडिया में असेसबल नहीं होएगी इसके हाथ में केवल इंडियन रिसीड अससेबल होएगी नो आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द लॉजिक वो कहता भाई तू बिजनेस इंडिया से कर रहा है कंट्रोल यहां से कर रहा है तो तेरी फॉरन ब्रांचेस की इनकम पर मैं इंडिया में टैक्स लूंगा लेकिन अगर तेरा बिजनेस बाहर सेटअप हुआ था तो उस बिजनेस की हेड ऑफिस की या हो सकता है उसके पास सिंगापुर में भी ब्रांच है जी अगर सिंगापुर में भी ब्रांच है तो ये भी एक रिसीव बाहर हो गया तो इस फॉरन रिसीट को आर प्लस एनओ आर के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं कर रहा है क्योंकि इट इज कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हाँ इसी केस में अगर लंडन ब्रांच के साथ सिंगापुर ब्रांच भी होती और वहां पर भी रिसीट 30 करोड़ की आ रही होती तो क्योंकि ये आर प्लस ओ आर होने पे कंट्रोल इंडिया में था ये दोनों इंडिया में असेसबल हो जाती यानी अब पहले समझो लॉ फिर समझते हैं लोग तोड़ते कैसे हैं, और फिर समझते हैं अमेंडमेंट कैसे आई तो अभी के लिए लेट अस समराइज व्हाट हैव वी वी लुक्ड एट द थर्ड एक्सेप्शन एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया दिमाग में डालो रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया हु कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर चाहे विजिट पे आया चाहे परमानेंट सेटलमेंट पे आया हॉलीडे पे आया काम के सिलसिले में आया डजेंट मैटर सिर्फ डेज देखेंगे और हमने फर्क करा कि रेजिडेंट प्लस ओ आर रेजिडेंट प्लस एनओ आर और रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के केस में असेसिबिलिटी में क्या फर्क है अब छोटे मोटे एग्जाम्पल्स करके पहले इस कॉन्सेप्ट को सीमेंट करते हैं नाउ ओपन योर प्रैक्टिस मैनुअल प्रैक्टिस मैनुअल आपके पास होगा जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं कुछ सॉल्व हैं कुछ अनसोल्व हैं अगर आपने ये क्वेश्चन के आंसर्स चेक करने हैं तो एक काम कीजिए पहले ये क्वेश्चन करो उसके बाद ये आंसर्स चेक करो और एक बात ध्यान रखना इधर नीचे जो मैंने अनसोल्व क्वेश्चन दिए हैं ये देखिए ये वाले ये हैं फ्रॉम फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इनमें एक क्वेश्चन का आंसर गलत है आप बोलोगे सर ऐसा कैसे आपने गलत कैसे छोड़ दिया बेटा मैंने इन इनमा एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एक चीज देखी है जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं होना ये पता क्या करते हैं आंसर निकालने चलते हैं जब आंसर मैच नहीं करता तो कैलकुलेटर उठाते हैं फिर करते हैं अच्छा इसको ऐड करके इसको माइनस करते हैं नहीं आया अच्छा फिर इसको माइनस करके इसको ऐड कर आ गया अच्छा ऐसे होता है और फिर वहां नोट कर लेते हैं यद जब ऐसा आएगा ना तो इसको ऐसे ऐड करना है इसको ऐसे माइनस करना है वैसा ही पॉइंट जब किसी और क्वेश्चन में आता है और उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो और फिर कुछ और नोट कर लेते हो मेरे साथ नहीं या तो आंसर आएगा या नहीं आएगा तो मैंने कई जगह पहले बता रहा हूं मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन जानबूझ के गलत छोड़े हुए ताकि यह ना हो कि आप आंसर निकालने के चक्कर में लॉ कंफ्यूज कर दें। कई बार आंसर गलत होते हैं आप सोचते हैं बुक है टीचर ने लिखी है या किसी पब्लिशर ने लिखी है तो उसमें आंसर कैसे गलत हो सकता है अरे वो बंदा जो किताब लिख रहा है वो भी तो इंसान है आईसीआई के क्वेश्चन में गलती होती कई बार आंसर में लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए तो वी आर नाउ गोइंग टू पुट द श्योरिटी नाउ गोइंग टू शेयर विद यू यू नो आईसीआई चेकिंग नॉट जस्ट योर नॉलेज दे आर चेकिंग वेदर यू आर श्योर ऑफ यूर नॉलेज ऑर नॉट कई क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन आंसर दो लाइनों में है क्योंकि सारा कुछ एग्जेमट है तो क्वेश्चन क्या होगा कि क्या आपके पास हिम्मत होगी पेपर में उस आधे पेज के क्वेश्चन का दो लाइन में आंसर देना यू कैन ओनली डू इट इफ यू आर श्योर ऑफ यूर कॉन्सेप्ट करेंगे वी शुड बी श्योर हम अपना आंसर निकालेंगे आंसर देख के आंसर नहीं निकालेंगे ये आदत डालो मेरे साथ पक्का प्रॉमिस है गॉड की कसम अच्छा ठीक है अब एक काम करो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चन को कर लो फिर ये वीडियो देखो सो दैट यू नो आपको सोल्यूशन में जहां प्रॉब्लम है वहां पर आपको सॉल्व मैं करवा दूंगा अब पहला सवाल शुरू करते हैं इज इज मिस्टर राम इज अ सिटीजन ऑफ यूके ड्यूरिंग द ईयर ही कम्स टू इंडिया ऑन द मॉर्निंग ऑफ फिफ्थ जनवरी एंड स्टेज टिल फिफ्टींथ ऑगस्ट ट्वेंटी Ram was in India during 1924-123 120 days, and once during 1617 for 220 days. What is the residential status? चलिए तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। मैं क्या सिखा रहा हूँ? पहले डेटा बनाएंगे। 1920 में था और 1617 में था। Am I right? और करंट ईयर में 20 में he comes on the morning of 5th of January. चलिए इसके नंबर ऑफ डेज निकालें। अगर 5th of January को आया, तो 5th इंडिया में है। जनवरी में इकतीस दिन होते थर्टी वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इंडिया में नहीं था फिफ्थ को तो इंडिया में मानेंगे यानी ट्वेंटी सेवन डेज ऑफ जनवरी ट्वेंटी एट डेज ऑफ फेबर थर्टी वन डेज ऑफ मार्च उसके बाद जो अगस्त में रहा वो तो अगले साल में आ गया तो ये टोटल मेरे कितने हो गए करके देख लेते हैं ट्वेंटी सेवन लिख लो ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी वन ये आया एटी सिक्स डेज इसको करेक्ट करेंगे डेज अब ये एटी सिक्स डेज इंडिया में रहा तो हमने लिखा क्योंकि 86 डेज रहा माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इसके लिए हमें 182 वाली और 60 प्लस थ्री दोनों चेक करनी है अगर करनी है तो यहां पर कितना बन रहा है 343 पर पहले हम चेक करें करनी भी है या नहीं करनी है ये है राम इज अ सिटीजन ऑफ यूके अभी हमने एक्सेप्शन पढ़ी कि इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन रिजन एंड ही इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड कम्स टू इंडिया तो हम ये मान के चलते हैं राम जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है अगर नहीं है तो उस पर वो एक्सेप्शन नहीं लगती है तो हमें दोनों 60 प्लस 365 चेक करना है और क्योंकि वो 60 डेज की कंडीशन पूरी कर रहा है पर 365 नहीं हुई वो नॉन रेजिडेंट हो गया फॉर द ईयर लेकिन अगर हम मानते कि राम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो हम 60 प्लस 365 चेक ही नहीं करते हम सिर्फ क्या चेक करते हैं

एंड स्टेज टिल फिफ्टींथ मे ट्वेंटी में पहले उन्नीस बीस में आया था एंड एक बार सोलह सत्रह में आया था वॉट इज इज रेजिडेंशियल स्टेटस अब मैंने उन्नीस बीस और सोलह सत्रह का डेटा लिख लिया करंट ईयर में पीरियड ऑफ स्टे कितना है नव ही केम ऑन फिफ्थ ऑफ जुलाई जुलाई में थर्टी वन डेज होते हैं तो मैं तो करूंगा मैं चेक नि इसको मानेंगे नहीं करेंगे ट्वेंटी सेवन डेज ऑफ जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबर एंड मार्च यानी इतने दिन वो इंडिया में रहा क्योंकि फिफ्थ जुलाई को आया और अगली मई में गया है तो इसको ऐड करो जरा ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी वन प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी वन टू हंड्रेड एंड सेवेंटी डेज ठीक बात है अब हमें चेक करना है बेसिक कंडीशन अब राम इज अ सिटीजन ऑफ यूके अब बेटा ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ना हो फर्क क्या है 60 प्लस 365 या 182 लेकिन 182 तो सॉल्व हो ही रही है तो इट रियली डजंट मैटर ये तो रेजिडेंट ही होगा रेजिडेंट तो ये हो गया अब हमें चेक करना है ओआर है या एनआर है तो हम देखते हैं पिछले 7 सालों में क्या मिला के सात सौ तीस दिन हुए नहीं हुए तो हम लिख देते हैं आर प्लस एनओ आर आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया सो इज आर प्लस एनओ आर फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज क्या वो अगले साल क्या वो अगले साल आर प्लस एनओ आर ही रहेगा या ओ आर भी, भी हो सकता है और एनआर भी हो सकता है इज द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर लाइफ और इज इट फॉर दैट ईयर इज इट फॉर दैट ईयर इट डज इट कैन चेंज एवरी ईयर ठीक है अब अगला है राम इज अ सिटीजन ऑफ यूके द ईयर ही कम्स टू इंडिया ऑन द मॉर्निंग ऑफ फिफ्थ जनवरी ट्वेंटी राम वॉज इन इंडिया चाहिए मैंने यहां पर उसके पीरियड ऑफ स्टे लिख दिया नाइनटीन ट्वेंटी और करंट ईयर में ही इज इन इंडिया फॉर एटी सिक्स डेज ये बात भी क्लियर है क्योंकि हमने अभी तो कैलकुलेशन करी अब इसका मैं क्या चेक करूंगा 60 प्लस 365 लेट अस लेटस एज्यूम राम इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है तो 60 प्लस वो ये पूरे कर रहा है देखिए 365 भी हो गया तो ही बिकम्स अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया नाउ वी नीड टू गो एंड चेक हिज ओ आर एन एन ओ आर तो हम पिछले सात सालों का डेटा लिख लेते हैं अब सात सालों में एड करके देख लेते हैं चलो वन ट्वेंटी थ्री प्लस वन एटी प्लस टू ट्वेंटी प्लस टू फिफ्टी हो गए भाई सेवन थ्री हो गए यानी एक कंडीशन पूरी होगी लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त सेकेंड कंडीशन चेक करनी है अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा वन एट्टी टू से ज्यादा मुझे दिख ही रहा है यानी इस साल भी रेजिडेंट था इस साल भी रेजिडेंट था बाकी मैं चेक ही नहीं करता वैसे तो इस साल भी अगर आप देखोगे 60 से ज़्यादा है एंड इसके पिछले चार सालों में 365 से ज्यादा इस साल भी रेजिडेंट है है कि नहीं सो so, हमें तो दो चाहिए ही हैज फुलफिल्ड 2 ऑन 10 ही हैज फुलफिल्ड 730 डेज देयरफॉर ही इज आर प्लस ओ आर फॉर द ईयर 2021 समझ गए बात को सो so, ऐसे हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं एंड ऑफ कोर्स एवरी टाइम यू फाइंड अ क्लाइंट जो इंडिया से आता जाता बाहर रहता है तो ये कैलकुलेशन तो बहुत ही अनिवार्य है जरूरी है कंपल्सरी है चलिए अब आए unsolved and you know what we are going to do is from the data given ye client mujhe information de raha now let's look at the next one mr lee a citizen of south korea comes to india on 26 1 20 अच्छा मेरा पहला सवाल हमेशा रहता है कि जब भी आप डेट पढ़ेंगे आपको ईयर लिख लेना चाहिए ये कौन सा साल है बेटा किस साल आया और मेरा एक्सपीरियंस कहता है जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को गलत करते हैं पूछो क्यों क्योंकि वो इसको ट्वेंटी ट्वेंटी पर ये है जनवरी में आया पिछला और अगला एज द द हेड ऑफ इंडियन बिजनेस ऑफ हुंडई मोटर्स अच्छा सवाल को सिर्फ पढ़ा मत करो समझा करो क्या हो रहा है साउथ कोरिया में बंदा है ली इंडिया आया है उन्नीस बीस में आया क्या करने आया हेड ऑफ हुंडई मोटर्स प्रीवियसली Come to India only twice. एक बार पंद्रह सोलह में आया था तीन सौ पैंसठ दिन रहा था दूसरी बार सत्रह अठारह फोर्टी लैक्स अच्छा मेरा सवाल बड़ा सिंपल है सबसे पहले मुझे डेटा बनाना है और मुझे डेटा बनाना है दो हजार बीस इक्कीस का फिर उसके बाद में उन्नीस बीस अठारह उन्नीस सत्रह अठारह और सोलह सत्रह का तो बाद में देखूं पहले तो बीस इक्कीस का डेटा बनाएं क्योंकि अगर वही वन एटी टू से ऊपर हो गया फिर तो लफड़ा ही खत्म हो गया प्रॉब्लम ही खत्म होगी तो आप मुझे बताएं हाउ मेनी डेज इज इन इंडिया इन ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ स्टूडेंट्स कैट एंड टेल मी सर देर इज नो डेटा गिवन टू अस सर हाउ कैन वी फाइंड आउट सर आई से सर लेसन सर द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू दिस डेटा सर एंड फ्रॉम दिस डेटा यू हैव टू फाइंड आउट वॉट एवर इट इज सर एंड यू यूज योर ब्रेन सर थिंक तो आप बताइए क्या लिखा ही कम्स टू इंडिया एज द हेड ऑफ द इंडियन बिजनेस ऑफ मोटर्स तुम्हें लगता है आया और साथ चला जाएगा जनवरी में आया है तो कुछ नहीं बताया तो क्या मानेंगे है ना आने so, इक्कीस में हम मान के चलेंगे तीन सौ पैंसठ दिन था अब मिस्टर ली साउथ कोरिया के सिटीजन होंगे पर इंडिया के लिए रेजिडेंट होंगे अब मुझे उनका रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ साथ चेक करना है कि वो ओ आर या एनओ आर अब वो इंडिया में कब आए थे सिर्फ एक बार आए थे पंद्रह सोलह में तीन सौ पैंसठ दिन के लिए पंद्रह so, सोलह में भी आए थे डेज लिख लेते हैं। और एक बार आए थे, 17 अठारह में 77 सेवन डेज यहां आए थे डेज। स्टेटस चलिए बताइए 182 पूरे हो गए पर पिछले सात सालों में 730 पूरे नहीं हुए तो ही बिकम्स आर प्लस तो so so पहला होता है लॉ पढ़ेंगे फिर उसको याद करेंगे फिर उसको समझ के अप्लाई करेंगे लॉ वी अंडरस्टैंड द लॉ वी मेमोराइज द लॉ विदाउट मेमोरी बोलो सर मुझे याद नहीं है सर प्रोविजन क्या थी आ रहे ये नहीं होना चाहिए तो आप पढ़ लिया मैंने पढ़ा दिया मैंने समझा दिया उसको याद करा दिया मैंने अगर नहीं हुआ तो दोबारा करो फिर उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ है ना चलो अगला करते हैं एक्स लीव इंडिया ऑन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी चलिए यही इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं अगले सवाल के लिए सो एक्स लीव इंडिया ऑन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी चलिए बताइए कौन सा साल है ये फटाफट बिल्कुल सही बोला

2015-16 में यानी मेरे को समझ में आया 365, 365, 365, 365 इन 1920 एक सेकंड पहले चेक कर लें हाँ इन 1920 ही हैज लेफ्ट इंडिया ऑन 26 120 फॉर टू मंथ्स अच्छा दिमाग में करते हैं 26 120 से दो महीने कब पूरे होंगे तो मैं मान के चलता हूं 26 एक 20 से एक नहीं दो बीस तक यानी एक महीना अगले महीने की एक तारीख पहले खत्म हुआ फिर छब्बीस दो बीस से पच्चीस तीन बीस को दो महीने खत्म हुए तो वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी डेज वॉज ही आउटसाइड इंडिया मेरे हिसाब से छब्बीस को गया और पच्चीस को आया यानी ये दो डेट्स तो इंडिया में हो गई यानी इन जनवरी ओवर हेयर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी थर्टी वन फाइव डेज इन जनवरी पूरे तो 5 प्लस प्लस 24 यानी 57 सेवन डेज आउटसाइड इंडिया रहा और डेज होते हैं 365 तो कर लेते हैं बेटा माइनस थ्री यानी 308 डेज इंडिया में रहा इन 1920 अब 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 ही लीव्स इंडिया आगे चलते हैं ही लीव्स इंडिया इन द करंट ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूएई एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट विद एबीसी कंपनी ऑन फिफ्टींथ फोर ट्वेंटी फिफ्टींथ फोर ट्वेंटी बीस इक्कीस हो गया यानी आया पंद्रह में दो महीने की छुट्टी गया फिर वापस आ गया होगा वापस आ गया था नहीं है मार्च में हमने देखा फिर पंद्रह चार को फिर चला गया यानी दो हजार बीस इक्कीस में पंद्रह दिन तो इंडिया में था ही था ओके देयर कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर फॉर टू मंथ हॉलीडेज फ्रॉम फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी वन तो डिसंबर में थर्टी वन डेज जनवरी में थर्टी वन डेज कितने हो गए डेज ओके आगे पढ़ते हैं डिटर्मिनशियल स्टेटस एज्यूमिंग समझ लें कितना है days. Now, days, ये मेरा पूरा हो गया ना वॉट आर वी डूंगजन देखिए जरा क्या याद आता है इंडियन सिटीजन के लिए तीन एक्सेप्शन है एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द ईयर फॉर इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया उसके लिए केवल देखते हैं फिर एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया हु कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए भी केवल 182 देखते हैं तो आप मुझे बताइए क्या ये उनमें से दोनों में से किसी एक्सेप्शन में आ रहा है सोचो 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 जल्दी से हाँ सर दोनों में आ रहा है तो दोनों में आने से क्या होगा दो बार तो एक्सेप्शन लगेगी नहीं एक ही बार लगेगी ना कहीं बोलते सर दोनों में कैसे आ रहा है तो मैं समझाता हूं देख बेटा ही लीव फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यू क्या वो पंद्रह अप्रैल को जा रहा है विथ नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया दे फॉर ही कम्स इन द फर्स्ट एक्सेप्शन लीविंग इंडिया फॉर इंप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया अच्छा जब यूए चला गया अब रहता क्या है यू ए में रहता है इज एन इंडियन सिटीजन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया हु कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर तो थर्ड वाली में भी आ गया यानी दोनों में आ गया यानी क्या फर्क पड़ता है हम तो सिर्फ क्या देखेंगे यहां वन एटी टू डेज की कंडीशन और क्योंकि ये 182 एटी डेज पूरे नहीं कर रहा ये क्या हो गया नॉन रेजिडेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स वाला कर रहे हैं एक्स लीव इंडिया ऑन फिफ्टींथ अप्रैल ट्वेंटी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इज अराइवल इन टू थाउजेंड फिफ्टीन आप देखिए इसके लिए फिर बना लेते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाइनटीन ट्वेंटी और जब क्वेश्चन कर रहे हो थ साथ, साथ रजिस्टर खोल लिया करो और उसमें नोट करते रहा करो या क्वेश्चन करो देखो बेटा मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं पर तुम्हारी मेहनत के बगैर बात नहीं बनने वाली है यू हैव टू वर्क हार्ड एंड आई टोल्ड यू वन रजिस्टर फॉर टैक्स लगाया आप लोगों ने अभी तक हम्म hmm? लगा लिया चलो गुड है सुस्ती नहीं करनी है मेहनत करो फल मिलेगा ये वो डिग्री है बेटा आई थिंक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई टुक इवन माई यंगर ब्रदर इज अस है इनफैक्ट माई सिस्टर इन लॉज ऑल्सो सी है एंड आपने टाकोबेल का नाम सुना होगा माई यंगर ब्रदर इज द एम डी ऑफ टाकोबेल ही इज इन सिंगापुर और उनके पास सिर्फ एक डिग्री है वो सी ए की है तो आप समझें इस बात को ये डिग्री आपको बहुत कुछ दिलवाएगी रिस्पेक्ट दिलवाएगी पैसा दिलवाएगी सब कुछ खरीद पाओगे लेकिन इस डिग्री को आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा सबको नहीं मिलती है नॉट एवरीबडी गेट्स अ डिग्री और हम दोनों में केवल एक ही सी है वो है मैं अभी आप सीए कर रहे हैं इनफैक्ट मेरी जब क्लास होती है ना मैं पूरी क्लास को बोलता हूं इस कमरे में एक ही सीए है तो मेरे स्टूडेंट्स जब सीए बन जाते हैं वो मेरे पास वापस आते हैं मिठाई का डबरा लेकर आते हैं और वो क्या कहते हैं सर आज इस कमरे में दो सी हैं और वो सुनने के लिए सबसे ज्यादा एक टीचर का रहता है तो बेटा मेहनत करो अपने आप करो टीचर की मेहनत पर डिग्री नहीं मिलेगी तुम्हारी मेहनत टीचर का कार्य है आपका दिमाग को सोचने पर मजबूर करना तो आइए मेरे साथ ही लीव्स इंडिया ऑन फिफ्टी अप्रैल कौन सा साल है बेटा बोल बीस इक्कीस तो बीस इक्कीस में पंद्रह दिन तो रह गया इंडिया में अच्छा आगे चलते हैं सिंस इज अराइवल ऑन फर्स्ट अप्रैल फिफ्टीन यानी यहां पर थ्री सिक्सटी फाइव डेज थ्री सिक्सटी फाइव डेज थ्री सिक्सटी फाइव डेज थ्री सिक्सटी फाइव डेज और अगर मैं पंद्रह सोलह लूँ, तो यहां पर भी थ्री सिक्सटी फाइव डेज लीव इंडिया इन द करंट ईयर फॉर इंप्लॉयमेंट इन यू मिलता जुलता तो सवाल है सिर्फ वो छुट्टी वाले दिन मैंने यहां चेंज कर दिए एज एन एनलिस्ट ही कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर फॉर टू मंथ हॉलीडे December टू जनवरी वही सिक्सटी टू डेज हो गए यानी सेवनटी सेवन सेवनटी सेवन डेज हो गए कैलकुलेट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस एज्यूमिंग दैट ही इज एन इंडियन सिटीजन वो तो सेम ही हो गया ना इंडियन सिटीजन है तो 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 डेज डेज लगाएंगे, 182 पूरे नहीं हो रहा तो ये नॉन आ गया। यहां तक ठीक तो है। इसी डेटा से अगला वाला क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं पर अगर नोटिस करो सेम क्वेश्चन है। बनने गया पे आया, सब कुछ सेम है लेकिन आंसर देखो लास्ट में कहता है एज्यूमिंग इज नाइदर एन इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन इसका क्या मतलब हुआ अब हम इस पे 182 तो लगाएंगे ही लगाएंगे पर अब 60 प्लस भी लगेगा ये 60 फुलफिल कर रहा है देखो और 365 भी पूरे हो गए और इतफाक देखो पिछले सात सालों में 730 भी हो गए और इतफाक देखो टू वन टेन भी हो गया क्योंकि हर साल रेजिडेंट है वन से ज्यादा है तो जब इसने कंडीशंस पूरी कर दी सारी ये क्या हो जाएगा आर प्लस ओ आर और यहां आप देखोगे आंसर मैंने गलत दिया हुआ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है दिस इज हाउ वी डू ऑल द क्वेश्चन एंड वंस आई एम श्योर यू कैन डू दिस आर नॉट डिफिकल्ट मैंने आंसर दिए हुए हैं सो क्वेश्चन करिए एंड यहां तक का रेजिडेंशियल स्टेटस तक के क्वेश्चन हमने कर लिए इनको टिक कर दो ताकि अच्छा सा लगेगा यार ये क्वेश्चन हो गए अब वक्त आ गया है इससे आगे अमेंडमेंट समझें क्यों आई और ये डीम्ड रेजिडेंट का क्या है So, let's go and understand the amendment made by Finance Act 20 in the residential status concept.